अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आज है ये है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब हाई परफॉर्मेंस क्रोमेटोग्राफी की अगर बात करें तो ये इसका फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये इसकी टेक्निक के अंदर मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं इसका जनरल प्रिंसिपल कि हाई परफॉर्मेंस इसको क्यों कहते हैं। ये नॉर्मली लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की एक टाइप है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया हुआ है। ठीक है, नॉर्मल आपको पता है ना क्रोमेटोग्राफी का, हमने लेक्चर देखा हुआ इसमें क्रोमेटोग्राफी केस में कि यहाँ से हम सोल्यूट ऐड करवाते हैं सैंपल के तौर पे, ऊपर से सॉल्वेंट आता है जो उसको नीचे क्या करता है अपने कंपोनेंट्स में अलग अलग कर देता है। अब इसका तरीका यही होगा कि सबसे पहले हम क्या किया करेंगे, सैंपल को इंजेक्ट करेंगे। यहां से क्या होता था, सैंपल आता है। सेकेंड नंबर पे क्या होगा, अब ये जो सैंपल को इंजेक्ट करवाने ना, यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस के केस में क्या होगा, सैंपल इंजेक्शन के ना मुख्तलिफ डिवाइसेस होंगी। बाकी ये क्रोमेटोग्राफी का जो मेन प्रोसीजर है ये वाला, वो सेम रहेगा। सिर्फ क्या होगा, इसको परफॉर्म करने का मेथड जो है वो या तो ऑटोमेटिक तरीके से हम करवाएंगे या फिर जो डिवाइसेस होंगी वो थोड़ी स्पेशल होंगी। सेकेंड नंबर पे ये देखें, हमने यहाँ पे क्या किया, सैंपल इंट्रोड्यूस करवाया। सैंपल इंट्रोड्यूस करवाने के बाद क्या करते हैं, हम ऊपर से सॉल्वेंट ऐड करवाते हैं। ये सॉल्वेंट ऐड करवा दिया हमने। जब सॉल्वेंट ऐड होगा तो क्या होगा, ये यहाँ से गुजर रहा होगा और इसको क्या करेगा, अपने साथ डिसॉल्व करके इधर लेके जाएगा। अब सॉल्वेंट इंजेक्शन सिस्टम हम पढ़ेंगे यहाँ पे, इस क्रोमेटोग्राफी के अंदर देखने होंगे कि भाई कौन कौन से टाइप के इंजेक्शन मेथड है। ठीक है, ये इंजेक्ट हुआ और यहाँ से ये क्या करेगा, इन कंपोनेंट्स को अपने दो हिस्सों में सेपरेट कर दिया। जो यहाँ पे सब कंपोनेंट थे उसको यहाँ पे उन्होंने डेवलप करवा दिया। डेवलप करवाने के बाद ये फिर फर्दर चलता रहेगा सिस्टम, और चलते चलते आखिरकार ये जो कंपोनेंट्स है किधर आ जाएंगे, यहाँ पे आखिर में आ जाएंगे। और आखिर में आके कहाँ पे डिटेक्ट होंगे, ये डिटेक्टर के जरिए। तो ये तीन कंपोनेंट हम इसमें बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, सॉल्वेंट इंजेक्शन सिस्टम, सैंपल इंजेक्शन सिस्टम और डिटेक्टर्स। कॉलम्स के बारे में देखेंगे तो कॉलम्स का भी थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कॉलम किस तरह यहाँ पे काम करता है। अच्छा, यहाँ पे अब देखें तो ये इसके नाम से पता चल रहा है कि ये क्या है, एक हाईली एफिशिएंट वेरिएंट है, जो नाम बता रहा है कि ये क्या है, बड़ी हाई परफॉर्मेंस है, बड़ी है लेकिन ऑर्डिनरी क्रोमेटोग्राफी। जैसे आपने यहाँ पे देखा इसमें सिर्फ चेंज किस चीज का आ गया, ये टर्म्स का आ गया कि ये जो है यहाँ पे इंजेक्टर यूज हो रहे हैं खास टाइप के। एचपीएलसी जो होती है, एनालाइट्स को सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ किसके, डिफरेंशियल एफिनिटी बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। ये हमें पता है ना, जनरल प्रिंसिपल नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी का भी होता है कि किसके साथ ज्यादा एफिनिटी है, जिनकी मोबाइल फेज के साथ ज्यादा होगी वो तेज चलते होंगे, जिनकी स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा होगी वो स्लो चलते होंगे। काइनेटिक्स जो है इनकी वो कैसे पता चलती है, काइनेटिक्स जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो है हमारे पास मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के दरमियान में जो होती है, यानी कि यहाँ से मोबाइल फेज को लेके जब गुजर रहा होगा तो असल में क्या हो रहा होगा, डिफ्यूजन हो रही होगी। कुछ हिस्सा मोबाइल फेज की तरफ डिफ्यूज हो रहा होगा, कुछ हिस्सा स्टेशनरी फेज की तरफ डिफ्यूज हो रहा होगा। जैसे मैंने पहले मेंशन किया, जो ये ग्रीन वाला है ये मोबाइल फेज के साथ इतना अच्छा काम नहीं कर रहा, इसीलिए पीछे रह गया है। और ये जो है ब्लू वाला हिस्सा, ये मोबाइल फेज में ज्यादा अच्छा डिफ्यूज हो रहा था तो इसलिए ये तेज चल रहा है। सेलेंट फीचर इसके देखते हैं क्या क्या होते हैं। सबसे पहली चीज, कॉलम जो होता है बहुत बारीक बारीक पार्टिकल से पैक किया जाता है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। परफॉर्मेंस कैसे बढ़ती है, इससे कि सॉल्वेंट कम इस्तेमाल होता है। जब कम सॉल्वेंट इस्तेमाल होगा तो यकीनन एफिशिएंट टेक्निक है। दूसरी बात कि ये वाला जो एरिया है बड़ा ये छोटा होगा तो सैंपल भी थोड़ा सा ऐड करवाना पड़ेगा, तो एक ही सैंपल के ऊपर हम बार बार रीडिंग ले सकते हैं। तो इसके दो फायदे हैं कि थोड़ा सैंपल इस्तेमाल करना पड़ता है और लेस सॉल्वेंट इस्तेमाल करना पड़ता है, तो हम कम अमाउंट के अंदर रीडिंग्स को रिपीट कर सकते हैं या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं रीडिंग्स। कॉम्पेटिबल विद मास स्पेक्ट्रोमीटर, सबसे इसकी जो अच्छी बात है ये, और जो सिस्टम है ना ये ऑनलाइन रख सकते हैं। ऑनलाइन क्या होता है कि यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं इसको डायरेक्टली किसके साथ, डिटेक्टर के साथ। ठीक है, अब ये कंपेटिबल होता है इस तरह कि ये थोड़ा सा, यानी कि अगर हम माइक्रो कॉलम यूज करें इसके केस में, तो वहां पे क्या होगा, थोड़ा सा सैंपल होगा
और वो क्या होगा, डिटेक्टर जो होगा अगर मास स्पेक्ट्रोमीटर है उसको थोड़ा सैंपल चाहिए होता है, ज्यादा सैंपल से वो सिग्नल ठीक नहीं आते होते। तो ये मास स्पेक्ट्रोमीटर के साथ बहुत अच्छा काम करता है, तो ये इसलिए ना जो हाई परफॉर्मेंस है बड़ी, उसमें जो परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है वो क्यों होती है, क्योंकि ये मास स्पेक्ट्रोमीटर के साथ बहुत आसानी से यूज हो सकती है। सॉल्वेंट इंजेक्ट होता है किसके साथ, हाई प्रेशर के साथ, तो उससे क्या फायदा होता है, फ्लो रेट को इंक्रीज करवा सकते हैं। आपने पहले पढ़ा हुआ है इसकी जनरल जो क्रोमेटोग्राफी की थ्योरी है, क्रोमेटोग्राफी में यही होता है कि स्पीड तेज कर दें अगर नीचे आने की ओवरऑल वेलोसिटी को, तो क्या होता है रेजोल्यूशन अच्छी हो जाती है, पीक को ब्रॉड होने का वक्त नहीं मिलता। तो ब्रॉड पीक्स नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए इंक्रीज फ्लो रेट किया जाएगा कैसे, हाई प्रेशर से। लेकिन ऊपर एक हमने चीज देखी स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल्स के दरमियान में खाली जगह नहीं होगी, तो फिर पार्टिकल्स को मूव करवाना, जो सॉल्वेंट है उसको मूव करवाना मुश्किल काम है, कि वो जगह जब खाली नहीं है तो वो गुजरेगा कहाँ से, इसलिए भी हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है ताकि क्या हो, काउंटर बैक प्रेशर, काउंटर कर सके किसको, बैक प्रेशर को। ठीक है, ये काउंटर करने का काम करता है प्रेशर, ताकि अगर जब यहाँ पे सॉल्वेंट नीचे की तरफ जाने की कोशिश करे, आगे बारीक पार्टिकल है तो रास्ता बंद हो जाएगा, तो ऊपर से प्रेशर देंगे ताकि वो रिवर्स की तरफ जो प्रेशर है वो ना डिवेलप हो, तो नीचे की तरफ आने के लिए क्या करेंगे, इसको प्रेशर इंक्रीज करवाएंगे। एचपीएलसी मेथड की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती है, जैसे मैंने पहले कहा कि ये नॉर्मल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की तरह ही होती है। पार्टीशन में फिर हमें पता है दो होते हैं, नॉर्मल फेज और रिवर्स फेज। नॉर्मल फेज में क्या होता है, स्टेशनरी फेज पोलर होता है, और रिवर्स फेज में आपको पता है क्या होता है, मोबाइल फेज पोलर होता है। ठीक है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हो सकती है कि हम यहाँ पे आयन एक्सचेंज वाले पार्टिकल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और साइज एक्सक्लूजन हो सकती है कि हम ऐसे पार्टिकल्स के वहां पे स्टेशनरी फेज लगा देंगे जो क्या करें, मॉलिक्यूल्स को साइज की बेस पे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के तौर पे भी इसको यूज कर सकते हैं। तो मेन यहाँ पे क्या होगा, कॉलम जो है उसकी ये टाइप्स हैं बड़ी, यानी कि कौन कौन से टाइप्स के कॉलम हम यूज कर सकते हैं। जबकि हाई परफॉर्मेंस जो यहाँ पे लफ्ज लग रहा है उसका मतलब क्या था, ये जो हमने पिछली स्लाइड पे देखा है कि उसके जो मेथड है ना इंजेक्शन के और डिटेक्शन के, वहां पे चेंज आ रहा होगा, इन अपरेटस को जोड़ने का तरीका डिफरेंट होगा। सिर्फ यही फ्लो चार्ट डायग्राम ने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया कि सैंपल इंजेक्टर्स जो हैं या सॉल्वेंट इंजेक्टर्स, ये दोनों इंजेक्ट करते हैं कहाँ पे, मेन कॉलम में। अब ये लिक्विड है पड़ा, तो इस लिक्विड में आपको पता है जब एक जगह से दूसरी जगह लिक्विड गुजर रहा हो तो फिर एन मुमकिन है कि उसमें बबल्स आ जाते हैं, एयर बबल्स। एयर बबल्स को हटाने के लिए क्या करते होते हैं हम, यहाँ पे डी गैसिंग डिवाइसेस यूज करते हैं। ठीक है, डी गैसिंग डिवाइसेस क्या करती हैं, एयर बबल्स को रिमूव करवा देती हैं। तो ये क्या करेंगे, इसका सेटअप कुछ ऐसा होगा, सैंपल इंजेक्टर और सॉल्वेंट इंजेक्टर के आगे क्या लगाया हुआ होगा, डी गैसिंग सिस्टम लगाए होंगे, और फिर वहां से गुजरते हुए वो कहाँ पे आया करेंगे, ये दोनों चीजें मेन कॉलम में, जो हमें क्रोमेटोग्राफी का मेन कॉलम ने भी डायग्राम में देखा था। प्रेशर रेगुलेटर्स क्या होते हैं, ये जो कॉलम है पड़ा, अगर इसमें मैंने पहले एक बात की बैक प्रेशर की, जो जिसको काउंटर करना था, अगर वो वहां पे ब्लॉकेज हो जाए और इधर से प्रेशर को इंक्रीज करवाएं, तो एन मुमकिन है कि ये क्या हो सकता है, कॉलम क्रैक हो सकता है या फट भी सकता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है प्रेशर रेगुलेटर्स जो यहाँ पे करते हैं, कि अगर यहाँ पे सॉल्वेंट के दरमियान में कोई थोड़ा सा गैप आ गया, वो जो डी गैसिंग का था, वहां प्रॉब्लम होगा कि वो जो बीच में गैस है वो प्रेशर को चेंज करवा रही होगी। तो प्रेशर रेगुलेटर्स और डी गैसिंग डिवाइसेस तकरीबन सेम काम करते हैं, कि ये बीच में से एयर बबल्स को हटाते हैं ताकि प्रेशर सेम रहे। और प्रेशर रेगुलेटर्स क्या करते हैं, कि ये चेक करते हैं कि अगर प्रेशर लिमिट से ज्यादा हो गया तो यहाँ पे कॉलम ब्लास्ट हो सकता है, और अगर प्रेशर इंक्रीज करवाना हो तो इंक्रीज भी करवा सकते हैं ये। नेक्स्ट, जब यहां से गुजरते हैं तो आगे किस तरफ जाना होता है, इन्होंने फिल्टर्स की तरफ। फिल्टर्स की तरफ क्या होता है फिर, कि जो हमारे पास ये हैं बड़े, इसको क्या करते हैं कि इसमें से कंपोनेंट्स आए और उन्हें डिटेक्टर की तरफ जाने। डिटेक्टर बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है। अब सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होने की वजह से इसमें क्या एक और प्रॉब्लम आती है, कि अगर यहाँ से कुछ इम्प्योरिटीज जो उस कंपोनेंट्स के अंदर थी वो इधर चली गई, तो फिर प्रॉब्लम क्या आ रहा होगा, डिटेक्टर खराब हो जाएगा। मॉडिफायर्स दूसरा काम करते हैं, कि अगर यहाँ पे कंपोनेंट ऐसी फॉर्म में था कि जो डिटेक्टर चेक नहीं कर सकता,
तो मॉडिफायर क्या करेगा, उसको चेंज करके डिटेक्टर के अंदर उस फॉर्म में लेके जाएगा जो डिटेक्टर चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मास स्पेक्ट्रोमीटर है तो वो गैस फॉर्म में डिटेक्ट करता है, तो ये मॉडिफायर क्या करेगा, अगर लिक्विड आ रहा है तो उस लिक्विड को क्या करेगा, गैस में कन्वर्ट करेगा और फिर आगे किधर भेजेगा, मास स्पेक्ट्रोमीटर की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज लगाई हुई होती है, कॉलम के प्रोटेक्टर्स। ठीक है, कॉलम प्रोटेक्टर्स क्या करते होते हैं कि इस कॉलम में जो है, ये कॉलम काफी कॉस्टली होते हैं क्योंकि ये यानी कि रेडीमेड मिलते होते हैं बने बनाए। अब बने बनाए कॉलम जो होते हैं क्योंकि ये बहुत माइक्रो लेवल पे होते हैं तो हम खुद नहीं इनको बना सकते, तो ये कंपनीज होती हैं जो इनको डेवलप करती हैं और उनकी टेक्निक वो सीक्रेट रखती हैं कि इस कॉलम को उन्होंने कैसे बनाया, टेक्निक्स जो होती हैं इसकी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उस पर एक प्रोटेक्टर लगाते हैं, जैसे यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है ना, सेम वैसा ही फिल्टर यहाँ पे भी लगाते हैं ताकि कॉलम भी प्रोटेक्ट हो सके। ठीक है, क्योंकि ये दो बहुत ही कीमती चीजें होंगी, डिटेक्टर बहुत ही महंगी चीज है, बहुत कीमती चीज है, तो उसको खराब होने से बचाना है। मेन कॉलम भी महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं, जो हमारे पास बहुत हाई एफिशिएंट होते हैं, तो उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या लगाए जाते हैं, फिल्टर्स लगाए जाते हैं या मॉडिफायर्स लगाए जाते हैं। होप कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा, इसके जो मेन आपका HPLC के जो कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम क्या इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे, सैंपल इंजेक्टर्स, ये जितने भी मैंने कंपोनेंट्स लिखे हैं, इन सब कंपोनेंट्स को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब आपने यूं करना है, लेजेंड कॉलेज के पेज को सब्सक्राइब करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि नेक्स्ट जब लेक्चर अपलोड होंगे तो आपको पता चल जाए कि कब अपलोड हो रहे हैं।